स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि शॉर्ट ड्राइंग सबमिटल जो होता है उसको आप कैसे फिल करते हैं। ये शॉर्ट ड्राइंग सबमिटल का एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का लोगो, क्लाइंट का, कंसल्टेंट का लोगो, शॉर्ट ड्राइंग सबमिटल, HDS इसको बोलते हैं, इस तरह से होता है। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे पायस रिंग स्कूल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का नेम आपको क्लाइंट या कंसल्टेंट देगा सॉरी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा हर डॉक्यूमेंट का एक रेफरेंस नंबर होता है। मेरी इस बारे में वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, शॉर्ट वीडियो भी, लॉन्ग वीडियो भी, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो प्रोजेक्ट का जो क्लाइंट होता है उसके इनिशियल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट के इनिशियल जो है वो XYZ हैं, तो यहाँ पे हम उसको XYZ। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट का कोई नेम है, फॉर एग्जांपल जद्दा में कोई प्रोजेक्ट है तो उसको हम JDA, और उसके बाद प्रोजेक्ट का कोई नंबर है तो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का नंबर हम कह देते हैं कि 1092 है, तो वो हम लिख देंगे। प्लस ये क्या है, शॉर्ट ड्राइंग सबमिटल है, तो ये क्या है, HDS है, तो यहाँ पे HDS और फिर उसके बाद जो नंबरिंग है वो 001 से लेके अब फिर नेक्स्ट आप बनाएंगे 02 हो जाएगा, उसके बाद 03 हो जाएगा, और इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद ये इसका जो क्राइटेरिया होता है ये कंसल्टेंट देता है, आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कंसल्टेंट आपको देगा, आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। एरिया नेम, फॉर एग्जांपल ये किस एरिया की ड्राइंग है, तो आपने ही प्रोजेक्ट का जो नेम है वो है, ये एरिया नेम है। फॉर एग्जांपल ये कौन से एरिया के लिए है, तो हम ये कह देते हैं कि ये 9th फ्लोर की ड्राइंग है, 9th फ्लोर, और कह सकते हैं कि ये मेन बेडरूम की ड्राइंग है, ठीक है, मेन बेडरूम। तो यहाँ पे ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर का नाम होगा आप वो लिखेंगे। मैंने यहाँ पे इसको पायस रिंग रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे PIOUS पायस रिंग लर्निंग के नाम से ही कॉन्ट्रैक्टर का नाम रख देता हूँ। यहाँ पे आप इसकी जो डेट है वो डेट आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हाज डेट 16 अगस्त है, तो आप AUG और 23। नेक्स्ट यहाँ पे रिवीजन, कोई भी डॉक्यूमेंट जब फर्स्ट टाइम इशू होता है तो उसकी रिवीजन जो होती है वो 0 होती है, तो आप यहाँ पे रिवीजन इसकी 00 लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब ये डिसिप्लिन ऑफ शॉर्ट ड्राइंग, डिसिप्लिन ये कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, आर्किटेक्चरल होता है, सिविल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है, IT इंटीरियर डिज़ाइन, या कोई अदर IT से मतलब, या कोई दूसरा स्विमिंग पूल से मतलब, तो ये सारे डिसिप्लिन है। जो डिसिप्लिन होगा आप उसको जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे आ गया ये नंबर, ये सीरियल नंबर हो गया सिंपल, आप 1, 2, 3 नंबर जो भी शॉप ड्राइंग आप इसके साथ अटैच करेंगे हर शॉप ड्राइंग के ऊपर, जैसे ये इस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस है शॉप ड्राइंग का भी नंबर होगा, रेफरेंस नंबर होगा। तो फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि शॉप ड्राइंग का रेफरेंस नंबर ABC है, ABC, और उसके बाद प्रोजेक्ट का जो नंबर है वो 1092, और उसके बाद ये क्योंकि 9th फ्लोर के मेन बेडरूम की है तो यहाँ पे मेन BDR, और उसके बाद ये 001, तो यहाँ पे टाइटल इसका मेन बेडरूम ये लिख देंगे टाइटल, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, बढ़ा देंगे क्योंकि ये ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम इसका जो शॉप ड्राइंग का टाइटल है वो लिख देंगे कि मेन बेडरूम ब्लॉक वर्क लेआउट कह लें, या डिटेल या प्लान जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन ड्राइंग रेफरेंस नंबर का मतलब ये होता है, IFC ड्राइंग जो होती है उसका आपने रेफरेंस नंबर देना होता है।
या IFC ड्राइंग के मतलब मेरी वीडियो देखें, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो वो हम समझ लेते हैं DG DG 459, उसका नंबर है, वो दे देंगे। अब आगे ये इंजीनियर का काम है, इंजीनियर मतलब कंसल्टेंट ने ये फिल करना है कि वो क्या है, ए देता है, बी देता है, कोड सी देता है, क्या है। तो नेक्स्ट जो ड्राइंग, अगर तो एक ही है तो यही हम लिख देंगे, अगर नेक्स्ट है तो यहाँ पे नंबर टू, और फिर जो ड्राइंग का नंबर है ये, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर टू, ठीक है, कॉपी नहीं हुआ, एक मिनट ठहरिएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका नंबर टू, और यहाँ पे फिर ही हम कह देंगे कि ये मेन बेड बेडरूम ब्लॉक वर्क डिटेल, ठीक है। तो ये इसका भी DG 457 या जितना भी नंबर होगा वो दे देंगे स्पेसिफिकेशन का। इसी तरह से नंबर थ्री, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा थ्री, और यहाँ पे हम फिर ये कह देंगे ये मेन बेडरूम ब्लॉक वर्क प्लान। तो ये इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, 4, 5, 8 जो भी आपका है। अब जब ये कंसल्टेंट के पास जाएगी तो वो जिसको ड्राइंग को, ये जितनी भी ड्राइंग है 1, 2, 3, ये हम इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब हम ये अटैच करेंगे तो ये किसने सबमिट किया है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, PIOUS रिंग लर्निंग, आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जिस बंदे ने ये सबमिट किया, फॉर एग्जांपल मेरा नाम वकार है तो मैं वकार लिख दूंगा, मेरी पोजीशन क्या है, साइट इंजीनियर हूँ, तो आप यहाँ पे साइट इंजीनियर, यहाँ पे फिर आप प्रिंट करेंगे तो सिग्नेचर करेंगे और डेट लिख देंगे। अच्छा, नीचे ये वाला जो है ये रिव्यू ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर कंसल्टेंट को ही ज़ाहिरा कहते हैं, तो जब ये प्रिंट करके आप देंगे तो यहाँ पे वो कमेंट लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे वन बाय वन उसकी अप्रूवल आ जाएगी, मकसद ये ड्राइंग अप्रूव है या नहीं है, ये ड्राइंग अप्रूव है या नहीं है, ABC जितना भी कोड है, और यहाँ पे इसका ओवरऑल स्टेटस अप्रूवल स्टेटस आ जाएगा, ABC। ए मतलब कोई भी कमेंट नहीं है, बी अप्रूव्ड कमेंट, सी रिवाइज एंट्री सबमिट, डी रिजेक्टेड, और ये इस तरह से। और नीचे जिस बंदे ने ये कमेंट दिए हैं वो उसकी पोजीशन, सिग्नेचर और डेट। अच्छा, ये सारा जब ये ड्राइंग शॉप ड्राइंग सबमिटल बना लेते हैं तो इसको हम प्रिंट आउट करते हैं, इस बंदे से हम साइन करवाते हैं, और उसके साथ ये जितनी भी ड्राइंग हमने यहाँ पे लिखी हुई होती हैं ये सारी की सारी अटैच करके हम कंसल्टेंट को सबमिट कर देते हैं, ठीक है। कंसल्टेंट अपनी स्टैंप लगाता है, वो रिसीव करता है, उसके बाद कंसल्टेंट का इंजीनियर, फॉर एग्जांपल जो ब्लॉक वर्क जो सिविल का इंजीनियर होगा वो ही इसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो इसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर देगा, और फिर बाद में आपको रिटर्न कर देगा। तो ये इस तरह से शॉप ड्राइंग सबमिटल जो है वो इसको सबमिट किया जाता है।